तो भैया फाइनली कंफर्म हो गया, एकदम पक्का हो गया कि पवन सिंह 2024 का चुनाव किसी भी कीमत पे लड़ेंगे तो लड़ेंगे। बहुत मैंने हवा हो रहा था कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कंफर्म हो गया। कल जो है बिहार तक पर इंटरव्यू दिए हैं पवन सिंह, ताज़ा इंटरव्यू कल दिए हैं और उसमें जो है कंफर्म कर दिए हैं। पहले तो सबसे बड़ा राज का बात ही बता दिए कि वो 2019 में ही चुनाव लड़ना चाहते थे और लगभग फाइनल भी हो गया था कि 19 में वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से जो है उनको टिकट नहीं दिया गया और उनको सिर्फ स्टार प्रचारक बना के छोड़ दिया गया। और जहाँ जहाँ वो प्रचार किए सब लोग जो है आज सांसद हो गया, लेकिन खुद पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन पवन सिंह कन्फर्म कर दिए हैं कि 2024 का चुनाव वो लड़ेंगे, अब चाहे कोई पार्टी वो उनको टिकट दे या ना दे। अगर भाजपा टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो वो किसी भी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आरा से ही लड़ेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे लेकिन चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म हो गया है। चाहे निर्दलीय लड़ें, जदयू से लड़ें, चाहे भाजपा से लड़ें। वैसे तो भाजपा के वो सदस्य हैं, अभी हाल ही में नीतीश कुमार से भी मिले हैं, उससे पहले तेज प्रताप यादव से भी मुलाकात किए थे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना पवन सिंह बोल दिए हैं, कन्फर्म कर दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और उनके जितने भी चाहने वाले हैं फैंस हैं, वो लोग भी चाहता है लोग कि पवन सिंह 2024 का चुनाव लड़े और सांसद बन के आए। पवन सिंह भी खुद चाहते हैं कि वो सांसद ही बने, विधायक बनना वो नहीं चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि सांसद ही बने और उनका इच्छा हो गया है कि चुनाव लड़ें। बाकी कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि आरा का भी जनता जो है कन्फ्यूजन में, वो नहीं चाहता है कि मैंने आरके सिंह का टिकट कटे। तो हो सकता है अगर आरा से लड़ते हैं तो निर्दलीय लड़े या किसी और पार्टी से लड़ें, और नहीं तो बिहार में कहीं से भी लड़ सकते हैं, पूरा देश में कहीं से लड़ सकते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव पवन सिंह लड़ के ही दम लेंगे, ये कन्फर्म हो चुका है। बाकी इस पर आप लोगों का क्या राय है, और जितने भी पवन सिंह के फैंस, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।